दोस्तों अगर आप जीबी विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जीबी बहुत ही ब्यूटीफुल ऑफबीट डेस्टिनेशन है हिमाचल प्रदेश। आज की इस वीडियो में मैं आपको जीबी के सब प्लेसेस बताने वाला हूं जहां आपको जरूर विजिट करना चाहिए। जीबी में एक ऐसा स्पॉट भी है जहां ये जवानी है दीवानी मूवी की शूटिंग हुई थी, वो भी आपको बताऊंगा कि कहां पर है। मेरा नाम है रजत एंड आप देख रहे हैं सैटरडे शूटर्स। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जगह जहां आप विजिट कर सकते हैं वो है चैनी कोठी। ये बिल्डिंग जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये काफी पुरानी बिल्डिंग एंड ये बनी है ओनली लकड़ी एंड पत्थर का इस्तेमाल करके। चैनी कोठी 300 साल से भी पुरानी है एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर कुछ दस्तावेज मिले थे लेकिन वो लैंग्वेज किसी को पता ही नहीं है, इसलिए उसका ट्रांसलेशन आज तक नहीं हो पाया। पुराने टाइम में यहाँ के राजा इस जगह पर रहते थे लेकिन उसके बाद आज के टाइम में इसको टेम्पल बना दिया। चैनी कोठी की हाइट है लगभग 90 फीट। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जीबी से 2.5 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी होगी जो कि अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है। आप रो नेचर को करीब से एंजॉय कर पाओगे। लगभग 1 घंटा लग जाएगा आपको जीबी से चैनी कोठी पहुंचने के लिए। उसका रास्ता अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं यहाँ सुबह के टाइम पहुंच गया था लेकिन चैनी कोठी का सही व्यू सुबह 10 बजे के बाद सही लगता है जब उस पे सनलाइट आती है। मैं यहाँ अर्ली मॉर्निंग पहुंच गया था एंड मैंने उस विलेज का कल्चर देखा एंड जरा यहाँ के घर की बनावट देखो कितनी यूनिक है। इसके बाद मैंने थोड़ी देर वहाँ बैठे कुछ बच्चों के साथ मस्ती की एंड उसके बाद मैं पहुंच गया एक यहाँ की लोकल डिश ट्राई करने जिसका नाम है सिड्डू। थोड़ी देर बाद चैनी कोठी पर सनलाइट आ गई। चैनी कोठी पे जाने के लिए स्टेयर्स बनी हुई है एंड ये स्टेयर्स एक पूरे पेड़ को कट करके बनाई हुई है जिसके साथ कोई सपोर्ट भी नहीं है। एग्जैक्टली चैनी कोठी में एंटर नहीं करने दिया जाता है, वहाँ सिर्फ लोकल्स ही जा सकते हैं, पर मैं कुछ स्टेयर्स तक ऊपर गया था जस्ट एक्सपीरियंस के लिए। मुझे ये जगह काफी सही लगी। चैनी कोठी के जस्ट साथ एक बिल्डिंग और है जिसे रानी का घर बताया जाता है एंड आज के टाइम ये भी एक टेम्पल है। यहाँ मैं एंटर कर पाया था एंड इसके अंदर का व्यू अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके बाद मैं वहाँ से वापस जीबी की तरफ चला गया 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करके एंड रास्ते में मैंने विजिट किया श्रृंगार ऋषि टेम्पल जिसकी बहुत मान्यता है। जीबी आओ तो चैनी कोठी जरूर आना, यहाँ आना एकदम वर्थ है। नेक्स्ट प्लेस जहाँ विजिट कर सकते हैं वो है जीबी वाटरफॉल। ये जगह भी आप मॉर्निंग के टाइम ही विजिट करना अराउंड 10-11 बजे एंड ये प्लेस भी बहुत ब्यूटीफुल है। जीबी मेन रोड से इसकी दूरी है अराउंड 1 किलोमीटर एंड अपने व्हीकल से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ये एंट्री गेट है जीबी वाटरफॉल का एंड एंट्री की टिकट भी है जो कि है 10 रुपए पर पर्सन। एंटर करने के बाद आपको ऑलमोस्ट 100 मीटर पैदल चलना होगा एग्जैक्टली वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए एंड वहां तक पहुंचने का रास्ता भी काफी ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। ये छोटे छोटे से ब्रिजेस बने हुए हैं, पानी भी काफी अच्छे से गिरता हुआ दिखेगा कुछ कुछ जगह पर और साथ ही साथ ग्रीनरी भी काफी ज्यादा दिखाई देगी। फोटोज एंड वीडियोस के लिए ये जगह परफेक्ट है। फाइनली चल के हम लोग पहुंच गए मेन स्पॉट तक। ये है एग्जैक्टली वाटरफॉल जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जब हम लोग गए थे तो ज्यादा भीड़ नहीं थी, कुछ 2-4 लोग ही दिख रहे थे एंड थोड़ी देर में तो वो भी चले गए थे। कुछ देर वहीं खड़े रहकर इस वाटरफॉल को देखा जो कि काफी अच्छा लग रहा था। दोपहर के 3-4 बजे के बाद ही यहाँ थोड़ा अंधेरा होने लगता है, इसलिए सुबह के टाइम ही यहाँ पर आना प्रेफर करना। इसके बाहर आपको शॉल्स एंड कैप्स की स्टॉल्स दिख जाएंगी एंड काफी मिनिमम रेट में आपको हिमाचल की गर्म शॉल्स कैप्स सॉक्स एंड और भी काफी सामान मिल जाएगा एंड जीबी वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। नेक्स्ट प्लेस जहां विजिट कर सकते हैं वो है बालोनाग टेंपल इन बाहु विलेज। ये प्लेस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 19 से 21 मई 2023 का हमने जीबी का एक बजट ट्रिप प्लान किया है इस जगह की खूबसूरती को देखते हुए। ये ट्रिप स्टार्ट होगा दिल्ली से, इस ट्रिप को मैं होस्ट करने वाला हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड है मेरे साथ मिलकर जीबी को एक्सप्लोर करने में तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कंप्लीट आइटनरी के लिए। डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बालोनाग टेंपल के बारे में। ये टेंपल एक काफी पुराना टेंपल है एंड यहाँ का लैंडस्केप आपको बहुत अच्छा लगेगा। जीबी से इसकी दूरी है अराउंड 12 किलोमीटर एंड 40 मिनट के ड्राइव में आप यहाँ पहुँच जाओगे। लास्ट का 2 किलोमीटर का थोड़ा कच्चा रास्ता है तो वहाँ आप कार ले जाना अवॉइड कर सकते हैं एंड 2 किलोमीटर पैदल ही इस टेंपल तक पहुँच सकते हैं। जहाँ से पैदल चलना स्टार्ट करना है वहाँ आपको बाहु लेक भी दिखाई देगी। एग्जैक्टली उसी जगह के आसपास आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। जब मैं गया था तो रास्ता एकदम खाली था एंड आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। गूगल मैप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलते हुए हम पहुंच गए इस टेंपल तक। यहाँ हमने ज्यादा टाइम नहीं बिताया क्योंकि सनसेट होने ही वाला था। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप दोपहर में इस जगह को विजिट कर सकते हैं। टेंपल के जस्ट साथ एक लेक भी बनी हुई है। इस टेंपल को देख के ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये बहुत पुराना टेंपल है एंड एक पानी की बोतल जरूर
कैरी कर लेना यहाँ आते वक्त। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है जालोरी पास, सरोसर लेक ट्रैक एंड 360 डिग्री ये जवानी है दीवानी मूवी पॉइंट। ये सब जगह काफी इंटरेस्टिंग है विजिट करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा जालोरी पास, जिसकी हाइट है 3120 मीटर एंड जीबी से इसकी दूरी है 12 किलोमीटर एंड इन 12 किलोमीटर में आप जीबी की डबल हाइट पर पहुंच जाओगे। सुंदर नजारे देखते हुए आप कुछ एक घंटे में पहुंच जाओगे जालोरी पास तक। सबसे पहले आपको ये महाकाली का टेंपल दिखाई देगा। दर्शन करने के बाद आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं सरोसर लेक की तरफ। बेसिकली सरोसर लेक का ट्रैक टोटल 5 किलोमीटर का है एंड ट्रैक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जंगल के बीच में से रास्ता बना हुआ है एंड चारों तरफ आपको देवदार के पेड़ नजर आएंगे। स्टार्टिंग के कुछ 1 किलोमीटर का पाथ तो एकदम सही है एंड खुलासा है एंड उसके बाद पाथ थोड़ा नैरो हो जाता है। रास्ते में काफी स्पॉट्स आएंगे जहां आप फोटोज क्लिक करवा सकते हो। अराउंड 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे आपको एक साइड के। हम लोग ने मॉर्निंग में ट्रैक करना स्टार्ट किया था एंड मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि मॉर्निंग में 7-8 बजे आप जीबी से चल पड़ना जालोरी पास के लिए। फाइनली इतना चलने के बाद हम लोग वहां पहुंच गए एंड वहां पे काफी सारी शॉप्स बनी हुई हैं एंड यहां कैंपिंग भी होती है। ये जगह क्रॉस करते ही आपको लेक दिख जाएगी। लेक बहुत सुंदर लगी मुझे एंड इस लेक की काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है। बताया जाता है कि पांडव्स अज्ञातवास के टाइम पर यहां पर आए थे एंड कुछ टाइम यहीं रुके थे। लेक के जस्ट साथ एक बहुत अच्छा टेंपल भी बना हुआ है जो कि बूढ़ी नागिन जी का टेंपल है एंड सरोसर लेक को बूढ़ी नागिन जी का पवित्र स्थल भी माना जाता है एंड इस लेक की पूजा भी होती है। यहां पर एक आभी नाम की चिड़िया होती है जो इस लेक को साफ करने का काम करती है। अगर एक पेड़ का पत्ता भी इसमें गिरता है तो वो उसे उठाकर ले जाती है। मुझे एकदम वर्थ लगा इस लेक के लिए इतना चल के आना। इससे नेक्स्ट पॉइंट जो आप विजिट कर सकते हैं वो है ये जवानी है दीवानी मूवी पॉइंट। सरोसर लेक से वापस आते टाइम एक पॉइंट से रास्ता अलग हो जाता है इस पॉइंट तक जाने के लिए। जीबी का ट्रिप हमने जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है हम यहाँ जरूर विजिट करने वाले हैं। ये जगह आपको काफी अच्छी लगेगी एंड ये 2.5 किलोमीटर का ट्रैक नॉर्मल रास्ते पे नहीं होगा, बिल्कुल रो माउंटेन से हम लोग जाएंगे। इसके रास्ते में एक मंदिर भी आएगा। वहां से दर्शन करते हुए हम लोग आगे निकल गए ये जवानी है दीवानी मूवी पॉइंट के लिए। पहाड़ पर चलते हुए एंड अच्छे व्यूज को एंजॉय करते हुए फाइनली हम उस पॉइंट तक पहुंच गए जहाँ बनी एंड नैना उस मूवी में ट्रैक करके पहुंचते हैं। इस जगह से काफी अच्छा व्यू दिख रहा था, बस मन कर रहा था कि यहीं थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ एंड नजारे लो। इस जगह पर भी एक टेंपल बना हुआ है। पहाड़ के इस एरिया में पेड़ बिल्कुल नहीं है तो व्यू और भी अच्छा दिखाई देगा। इस पॉइंट से काफी दूर के स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी आपको दिख जाएंगे एंड साथ ही साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़ की लेयर्स भी आपको दिखाई देगी काफी दूर तक। इस पॉइंट को 360 डिग्री व्यू पॉइंट भी कहा जाता है क्योंकि ये जगह इस माउंटेन के एकदम टॉप पर है तो चारों तरफ का व्यू आपको दिखाई देगा। जरा खूबसूरती देखो इस जगह की। अब जस्ट इमेजिन करो कि अगर यहाँ पर स्नो होगी तो इसकी खूबसूरती कितनी बढ़ जाएगी। वैसे तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था लेकिन सनसेट होने से पहले जालोरी पास पहुंचना जरूरी था क्योंकि सनसेट होते ही अंधेरा होने लगता है। इसके बाद यहाँ से मंदिर के बैक साइड की तरफ हमने चलना स्टार्ट किया एंड थोड़ा चलने के बाद हम जालोरी पास वापस पहुंच गए। सनसेट होते ही काफी ठंड लग रही थी। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस आप विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है रघुपुर फोर्ट। इसके लिए भी आपको जालोरी पास से ही लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर ट्रैक करना होगा। वो फोर्ट भी हिल के एकदम टॉप पर है एंड चारों तरफ आपको अमेजिंग व्यू दिखाई देंगे। इसके अलावा आप जीबी में विजिट कर सकते हैं पुलिकतंदी, जिसे मिनी थाईलैंड भी बोला जाता है उस जगह की खूबसूरती की वजह से। यहाँ आपको कुछ 100 मीटर चलकर जाना होगा मेन स्पॉट तक पहुंचने के लिए एंड यहाँ आपको 2 बड़े से पत्थर दिखाई देंगे एंड उसके पीछे पानी कुछ इस तरह से इकट्ठा हो जाता है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इस जगह को विजिट करने में आपको लगभग 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। इस जीबी ट्रिप की डिटेल्स एंड अपकमिंग ट्रिप की डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।